नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और वक्त हो चुका है हाई अलर्ट का। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे बाहुबली धनंजय सिंह के सरेंडर की कहानी, जो एक डर की वजह से हो पाई है। चारों तरफ से घिर चुके धनंजय सिंह ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। तो वहीं आपको दिखाएंगे कि धनंजय सिंह का पूर्वांचल के बाहुबली बनने से जेल जाने तक का ये सफर। साथ ही दिखाएंगे कि डीजे पर ढिशुम ढिशुम कैसे हो गई। तो बस देखते रहिए हाई अलर्ट। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा बाहुबली धनंजय सिंह के जहन में कार्रवाई का डर। अदालत में बाहुबली ने कर दिया सरेंडर। पूर्वांचल के जिस बाहुबली के चर्चे गली गली हुआ करते थे, उसी बाहुबली को पुलिस पूर्वांचल में गली गली ढूंढ रही थी, तलाश रही थी उस शख्स को जो अपनी हुकूमत पर इतराता था। तन पर खादी पहनकर अपराध में सक्रिय रहने वाले एक बाहुबली की नींव हिल चुकी है। एक सनसनीखेज वारदात से जब से उसके जुड़े तार, तो पूर्व सांसद हो गया था फरार। एक तरफ पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह की संपत्ति पर सरकारी जब्ती का बोर्ड लगाने की तैयारी थी। लेकिन इसी बीच बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने MP MLA कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। जब कोर्ट ने उसके गुनाहों की तस्दीक करते हुए जमानत बॉन्ड को रद्द कर दिया है और फिर पूर्वांचल में अपनी हुकूमत पर इतराने वाले को जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पुलिस की सक्रियता ने धनंजय सिंह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। धनंजय सिंह को लखनऊ पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी। उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करने के बाद से पुलिस की तमाम टीमों ने लखनऊ ही नहीं, जौनपुर और प्रदेश के कई ठिकानों में दबिश दी। पुलिस की टीम दिल्ली तक गई, लेकिन धनंजय नहीं मिला। आखिर लखनऊ पुलिस के दबाव से घबराकर धनंजय ने आज MP MLA कोर्ट प्रयागराज में आत्मसमर्पण कर दिया। जल्द लखनऊ पुलिस उसे रिमांड पर लेने के लिए प्रयागराज कोर्ट जाएगी। दरअसल 6 जनवरी को लखनऊ के कठौता चौराहे के पास हुई एक वारदात के बाद पुलिस का शिकंजा लगातार धनंजय सिंह पर कसता जा रहा था, जिसमें बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह फंस चुका था और फिर पुलिस लगातार उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। लखनऊ के कठौता चौराहे पर 6 जनवरी को माफिया जीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी हत्या करने वाले शूटर गिरधारी की तलाश की गई, जो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लेकिन भागने की कोशिश की तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन मरने से पहले गिरधारी ने सफेद पोश बाहुबली का सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल कर रख दिया था। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर्स का साथ देने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया, तो कार्रवाई के डर से वो कहीं भाग गया, जिसके बाद धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। तो वही हाईकोर्ट से पुलिस उसकी जमानत को रद्द करवाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन धनंजय सिंह की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती थी, क्योंकि इस बार धनंजय सिंह बड़ी मुश्किलों से घिर चुका था। दरअसल धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। तो वही फरार पूर्व सांसद की संपत्तियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा था, जिससे उन संपत्तियों को जब्त किया जा सके। धनंजय सिंह की संपत्ति पर पुलिस ने टेढ़ी नजर कर दी थी। तैयार किया जा रहा था संपत्तियों का ब्यौरा, संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी थी, धनंजय सिंह पर इनाम बढ़ाने की भी तैयारी थी। दरअसल अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो वही पुलिस धनंजय सिंह पर जारी हुए 25,000 के इनाम को बढ़ाकर उसकी संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी कर रही थी, जिससे उसको घुटनों के बल लाया जा सके। और इस दौरान बाकायदा एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई थी। लखनऊ में 6 फ्लैट और एक मकान होने का जिक्र था। लखनऊ में धनंजय सिंह के 2 फार्म हाउस पर टेढ़ी नजर थी। गोमती नगर में लैब और कई अवैध कंपनियां भी हैं। दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी में भी संपत्ति। मऊ,
फतेहगढ़ और बाराबंकी की संपत्तियों पर भी नजर गड़ा दी गई थी। दरअसल ये वो संपत्तियां हैं जो धनंजय सिंह की है, और पुलिस का मानना है कि धनंजय सिंह का कोई आय का स्रोत हुए बिना इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की गई। फिलहाल इस संपत्तियों पर पुलिस ने अपनी नजर टेढ़ी कर दी थी और जल्द ही उनको जब्त करने की तैयारी में थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद से धनंजय सिंह घबराया हुआ था, क्योंकि संपत्तियों के जब्त करने के लिए लगातार पुलिस ईडी और आयकर विभाग के संपर्क में थी। ऐसे में पुलिस का प्लान था कि फरार चल रहे धनंजय सिंह को चौतरफा घेरा जाए, जिससे वो खुद ब खुद सामने आ जाए। पुलिस की कार्रवाई से चारों तरफ से घिर चुके धनंजय सिंह के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वो इधर उधर भागना छोड़ दे और सरेंडर कर दे। और आखिरकार अपनी ताकत पर घमंड करने वाला बाहुबली धनंजय सिंह ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। जो धनंजय सिंह जेल पुलिस की कार्रवाई के डर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया, उस धनंजय सिंह की एक वक्त में पूर्वांचल में तूती बोला करती थी। एक के बाद एक कई ऐसे वारदातों को अंजाम देने वाला धनंजय सिंह बड़ी फिल्मी स्टाइल में अपराध की दुनिया में आता है और फिर अपराध के दम पर राजनीति में कदम रखा। देखिए बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का ये पूरा आपराधिक रिकॉर्ड इतिहास। पूर्वांचल के बाहुबली का आपराधिक सफर, वारदातों के जरिए पैदा किया लोगों में डर, बाहुबली से सांसद बनने की धनंजय सिंह की कहानी, अपराध की दुनिया और निगाहों में राजधानी। ये वो सफर है जिसे कदम दर कदम चलते हुए धनंजय सिंह ने पा लिया था। एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया और उन वारदातों के जरिए लोगों में खौफ पैदा करना धनंजय सिंह का शौक बन चुका था। लेकिन धनंजय सिंह का खौफ सिर्फ इलाके में बाहुबली बनने तक सीमित नहीं रहा, उसकी नजर शुरुआत से ही राजधानी यानी लखनऊ पर थी। और फिर लखनऊ के रास्ते उसने दिल्ली तक का सफर तय किया। बचपन से ही दबंग प्रवृत्ति के रहने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीधे तौर पर राजनीति में कदम नहीं रखा, बल्कि अपराध की दुनिया से होते हुए सियासत में पहुंचा। धनंजय सिंह पर उस उम्र में पहला मामला दर्ज हुआ था जब वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। साल 1990 में टीचर की हत्या में नाम सामने आया। टीचर गोविंद उनियाल की हत्या का आरोप लगा, लेकिन हत्या के मामले में आरोप साबित नहीं हुए। ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी, जिसके बाद लगातार धनंजय सिंह के हौसले बढ़ने लगे थे। साल 1992, जगह जौनपुर। दरअसल धनंजय सिंह 12वीं का एग्जाम दे रहा था कि तभी पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। दरअसल इलाके में एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद धनंजय सिंह ने 12वीं के 3 पेपर पुलिस की हिरासत में ही दिए। लगातार धनंजय सिंह का दबदबा बढ़ने लगा था, तो वहीं धनंजय सिंह जौनपुर से निकलकर लखनऊ आ चुका था, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में उसने दाखिला लिया। और फिर धनंजय सिंह को छात्र राजनीति के जरिए अपना वर्चस्व बढ़ाने का चस्का चढ़ गया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या और रंगदारी समेत अन्य गंभीर धाराओं में कुल 42 मुकदमे हैं। ये मुकदमे लखनऊ, जौनपुर और दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हालांकि पहला मुकदमा धनंजय के खिलाफ जो दर्ज हुआ था वो वर्ष 1991 में हुआ था। 1991 में जौनपुर के लाइन बाजार थाना में उसके खिलाफ मारपीट, धमकी और बलवा की एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में बता रहे हैं कि एफआईआर लग चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही धनंजय सिंह का नाम हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश और लूट जैसे मामलों से जुड़ा, और लखनऊ के हसनगंज थाने में धनंजय सिंह के नाम पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। धनंजय सिंह बना था 50,000 का इनामी। अब तक धनंजय सिंह की धमक जौनपुर से लेकर लखनऊ तक सुनाई देने लगी थी और लगातार उसका वर्चस्व भी बढ़ रहा था। साल 1997, जगह लखनऊ।
ठेकेदारी और टेंडर को लेकर विवाद और वारदात का कॉकटेल देखने को मिल रहा था। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई, जिसमें नाम आया धनंजय सिंह का, जिसके बाद धनंजय सिंह फरार हो गया और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। 2 साल तक फरारी काटने के बाद 1999 में धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया था, जिसमें बाद में धनंजय सिंह बरी हो गया। लेकिन धनंजय सिंह लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। साल 1997 में लखनऊ में एक हत्याकांड हुआ। लॉ मॉन्टिनियर कॉलेज के वार्डन की हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप धनंजय सिंह पर लगा। तो वहीं संतोष सिंह हत्याकांड में भी धनंजय सिंह का नाम सामने आया। एक छात्र नेता की हत्या की कोशिश का आरोप भी धनंजय सिंह पर लगा। विभूति खंड में 6 जनवरी को मऊ के हिस्से शीटर अजीत सिंह की हत्या में धनंजय सिंह का नाम आया था। हालांकि धनंजय के खिलाफ जो सबसे गंभीर आरोप लगा था वो था सन 2000 में परिवार कल्याण के डीजी बच्ची लाल की हत्या का। इस मामले में धनंजय के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। धनंजय का नाम बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या में भी सामने आया था। इस मामले में जांच भी हुई थी, हालांकि बड़े लोगों के शामिल होने की वजह से ये मामला दबा दिया गया। इसके अलावा लखनऊ में लामार्ट के टीचर फ्रेडरिक गोम्स की हत्या में भी धनंजय का नाम सामने आया था। धनंजय के खिलाफ जो भी मामले अब तक सामने आए हैं उसमें ज्यादातर में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। इस बीच खबर ये भी आई थी कि भदोही में पुलिस ने 1998 में धनंजय सिंह और उनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से धनंजय सिंह सबके सामने मौजूद था, जिसमें पुलिस की पूरी थ्योरी पर सवालिया निशान लग गया था। धनंजय सिंह के हौसले लगातार बुलंद हो रहे थे। जेल में बंद रहकर भी वारदात को अंजाम देने के आरोप धनंजय सिंह पर लगते रहे। साल 2000 में डीजी हेल्थ की लखनऊ में हत्या कर दी गई। डीजी हेल्थ डॉक्टर बच्ची लाल की हत्याकांड में धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में धनंजय सिंह बरी हो गया। जरायम की दुनिया में नाम कमाने के बाद धनंजय सिंह ने राजनीति में कदम रखा। साल 2002 में धनंजय सिंह विधायक बना, लेकिन अपनी फितरत को छोड़ न सका। विधायक बनने के 2 साल बाद धनंजय सिंह का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया, जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सतेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराया। इसका आरोप भी धनंजय सिंह पर लगा था। तो वही साल 2002 में वाराणसी में ओपन शूट आउट हुआ था, जहां अपने दोस्त अभय सिंह से ही धनंजय सिंह के संबंध बिगड़ गए थे। वाराणसी में धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने ये वारदात हुई। वाराणसी में खुलेआम सड़क पर गैंग वॉर हुई थी। धनंजय सिंह ने इस हमले का आरोप अभय सिंह पर लगाया था। धनंजय सिंह अपराध के भूत सियासत में पाव जमाने की कोशिश हर बार करता रहा, जिसमें धनंजय सिंह ने 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा। धनंजय सिंह को जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी की चुनौती मिली। बहादुर सोनकर का शव जिसके बाद पेड़ से लटका मिला, इस हत्या का आरोप धनंजय सिंह पर लगा था। यही नहीं, 2010 और 2011 में सीएमओ हत्याकांड हुआ, धनंजय सिंह पर शक की सुई घूमी थी, लेकिन सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिल पाए। कहा जाता है धनंजय सिंह को कोई चुनौती दे ये उसे पसंद नहीं। दरअसल 2012 में जौनपुर में ही एक तांत्रिक डॉक्टर रमेश तिवारी से धनंजय सिंह को चुनौती मिल रही थी, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप भी धनंजय सिंह पर लगा था। वहीं साल 2013 में घरेलू नौकरानी की पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह को गिरफ्तार किया। तो वहीं धनंजय सिंह को सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पिछले ही साल कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ। धनंजय सिंह ने खुद सरेंडर किया, जिसके बाद हाईकोर्ट से धनंजय को राहत मिली थी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए हाई अलर्ट। चलिए अब बरेली की बात कर लेते हैं, जहां दिल दहलाने वाली घटना सामने आई।
जहाँ छेड़खानी की घटना के बाद लोग एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े, मतलब समझिए कि लाठी डंडे चल गए, पत्थर चल गए और पूरे माहौल में अफरा तफरी। देखते ही देखते सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गई। एक दूसरे पर हर कोई हमला किए जा रहा था, चीख पुकार की आवाज से गूंज उठा था पूरा इलाका। बच्चे से लेकर महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर टूट पड़े थे। ये जगह मानो जंग के मैदान में तब्दील हो गई थी। सभी मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। संकरी गली में हर तरफ अफरा तफरी और हो हल्ला हंगामे का आलम था। ये बरेली की दहशत पैदा करती खौफनाक तस्वीरें हैं। या इज्जत नगर के कंजादासपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर ऐसा बवाल हुआ जो आपने बहुत कम ही देखा होगा। दरअसल यहाँ सगाई का कार्यक्रम था जिसमें कुछ लड़कों ने छेड़खानी कर दी। फिर क्या, दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। किसी के हाथ में लाठी डंडा तो कोई ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहा था। इस पत्थरबाजी में महिलाएं, लड़कियां और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। का प्रोग्राम था, उसमें लड़कियां डांस वगैरह कर रही थी। शाम में इनके तरफ से लड़का आकर हमारे घर में बदतमीजी करने लगे हम लोगों के साथ में। जब उनकी बदतमीजी हम लोगों ने रोक दी, हमारे देवर ने रोक दी, कष्ट करी उन लोगों ने हमारे साथ में, हाथापाई करी, पथरावबाजी करी रात के समय। हमने थाना में कंप्लेन करी। विवाद इतना पड़ चुका था कि इलाके में हर कोई मारने पीटने पर उतारू था। लाठी डंडे और पत्थर का जोर लगातार चल रहा था। लेकिन इस पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोगों के हाथों में पत्थरों के साथ साथ तमंचे भी नजर आए, जो तीन दहाड़े हाथों में लिए लहरा रहे थे। लोगों में गुस्सा इतना था कि जो भी सामने आ गया पत्थरबाजी का शिकार हुआ। पत्थर भी इतने बड़े बड़े कि अगर किसी को लग जाए तो जान जाने का भी खतरा लगातार बना हुआ था। लड़ाई हो गई थी ऐसे ही, तो उन्होंने टुकड़े उकड़े लेके हमारे घर पे आ गए। अहमद अली, मोहम्मद अली, आसिफ, अरे कुछ का लड़का पुलिस में अहमद रजा, उसके धमकी देते हैं बेरम बेरम, और टुकड़े उकड़े लेके पत्थर ईंट पत्थर फेंकने लगे हमारे घर पे। बच्चे बच्चों के लगे गए हमारे। किस बात को लेकर मतलब ईंट पत्थर फेंके थे, कोई विवाद पहले से चल रहा था क्या मामला? वो लोग खून से लगते हैं हम लोग। कहाँ रहते हैं वो लोग? बराबर में रहते हैं। देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। लोग बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो जैसे हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था। इस मारपीट के दौरान कुछ तो इतना गुस्से में थे कि अगर कोई घर के बाहर ताक झांक कर रहा था तो वो उसे भी नहीं बख्श रहे थे। कई घरों में तोड़फोड़ की गई। सड़क हो या छत हो, जो जहाँ है वहीं से पत्थर लिए। बस इस ताक में था कि किसी भी तरह किसी का सिर या शरीर उसके निशाने पर आ जाए। तस्वीरों में महिलाओं के हाथों में बड़े बड़े ईंट पत्थर। इस मारपीट और पत्थरबाजी में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा। इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह सदमान का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। दस लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही बवाल करने वालों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए बीपी गंगा।